सफेद दाग इंग्लिश में इज इक्वल टू ल्यूकोडर्मा। लेकिन अगर आप सफेद की बीमारी, जिसको हम जो पेशेंट के लिए टैबू है, एक ऐसे सफेद की बीमारी जो बहुत स्पीड में बढ़ती है, उसको हम विटिलिगो बोलते हैं। अब इन दोनों चीज को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊंगी कि ल्यूकोडर्मा सफेद जो है चट्टे बहुत से कारण से आ सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को मार लग गई, एक्सीडेंट हो गया उसका, तो उसकी स्किन वहां से पूरी खुरेद के निकल जाएगी। अब स्किन में रंग भरने की चीज क्या रहती है, दैट इज मेलानिन। अब स्किन जब खुरेद के निकल गई तो मेलानिन भी निकल गया, तो वो एरिया पे हाइपो पिगमेंटेशन बैठता है। नाउ दिस हाइपो पिगमेंटेशन इज अगेन ल्यूकोडर्मा। लेकिन ये हाइपो पिगमेंटेशन जो रहता है उसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेनी थिंग्स। नाउ सेकेंड रीजन ऑफ ल्यूकोडर्मा कि कभी कभी अपने को फंगल इन्फेक्शन होती है, इसको बोलते हैं पिट्रेसिस वर्सिकुलर। इसमें होता क्या है कि अपने को एक मलेसिस या परपर नाम का एक फंगस पकड़ लेता है स्किन में। नाउ ये फंगस एक एसिड सिक्रीट करता है, उसका नाम है एजिलाइक एसिड। नाउ एजिलाइक एसिड जब भी सिक्रीट होता है तो वहां की स्किन व्हाइट होने लगती है, तो ये भी एक रीजन है ल्यूकोडर्मा का। इसको भी ठीक किया जा सकता है, हम एंटी फंगस दे देते हैं लगाने के लिए, खाने के लिए, तो पूरा फंगस किल हो जाता है, स्किन धीरे धीरे बैक टू नॉर्मल हो जाती है। नाउ थर्ड रीजन है, कुछ लोगों को रबर के चप्पल्स की एलर्जी रहती है, या तो रबर की कोई भी चीज की एलर्जी रहती है। नाउ वो एलर्जी के वजह से वहां की स्किन में जख्म होता है, और जैसे ही जख्म हुआ, तो जख्म जब भरने लगता है तो वहां की स्किन व्हाइट हो जाती है। तो ये भी एक टेम्परेरी थिंग है, हम रबर फुटवेयर या रबर की चीजें अवॉइड करने बोलते हैं, कुछ पिगमेंटिंग क्रीम्स दे देते हैं, तो ये भी पूरा ठीक हो जाता है। तो ये भी एक टाइप ऑफ ल्यूकोडर्मा है। नाउ द फोर्थ कॉज ऑफ ल्यूकोडर्मा इज विटिलिगो। विटिलिगो एक बीमारी है, ठीक है, ये ना तो एक्सीडेंट से हो रही है, ना तो रबर का कुछ पहनने से हो रही है। ये एक ऐसी कंडीशन है, अचानक से पेशेंट व्हाइट पैचेस देखता है अपने बॉडी पे। नाउ ये पैचेस 10% खानदानी रहते हैं, जिसको हेरिडिटरी बोलते हैं। ओके, तो हेरिडिटरी जो विटिलिगो रहता है, तो ये मोस्टली बॉडी में स्प्रेड होता है। उसमें भी एक्चुअली वैरायटीज है, जैसे कि तीन वैरायटी है, एक है विटिलिगो वल्गैरिस, एक होता है जनरलाइज विटिलिगो, एक होता है लोकलाइज विटिलिगो। तो ये तीनों विटिलिगो 10% खानदानी रहता है, एंड 90% मल्टीपल रीजंस है। एग्जाम्पल, अगर पेशेंट को थायराइड हुआ, तो थायराइड अगर ऑटो इम्यून वाला है, ऑटो इम्यून मतलब, ऑटो मतलब खुद की, इम्यून मतलब इम्यूनिटी, तो खुद की इम्यूनिटी अगर साथ नहीं दे रही है, वो क्या कर रही है, अपने ही बॉडी ऑर्गन्स को दुश्मन समझ रही है, इसीलिए वो ऑटो एंटीबॉडी क्या कर रही है, थायराइड के ग्लैंड्स को डैमेज कर रही है, इसलिए पेशेंट को थायराइड हो गया। यही एक्टिवेटेड एंटीबॉडी जब स्किन को डैमेज करने लगती है, तो स्किन के मेलानिन को टारगेट करती है। अगर वो एक्टिवेटेड एंटीबॉडी जाके मेलानिन को खा जाए, तो मेलानिन डिमिनिश हो जाएगा या पूरी तरह डिप्लीट हो जाएगा। नाउ डिप्लीशन ऑफ मेलानिन लीड्स टू विटिलिगो। उस जगह के पैच पे अगर मैं माइक्रोस्कोप में झाके देखूं, तो वहां पे बिल्कुल भी मेलानिन होगा ही नहीं, और मेलानिन ही रंग भरता है अपनी स्किन को, तो उसको विटिलिगो बोलते हैं। तो मैंने विटिलिगो का सेकेंड, पहला कारण बताया कि हेरिडिटरी होता है, खानदानी होता है। दूसरा कारण मैंने बताया कि ऑटो इम्यून कंडीशन में होता है, मतलब खुद की इम्यूनिटी मेरे मेलानिन को खा रही है। फिर थर्ड रीजन होता है कि अगेन इट इज रिलेटेड टू इम्यूनिटी ओनली, लेकिन ये इम्यूनिटी किस वजह से ट्रिगर होती है, तो एनवायरमेंटल फैक्टर के वजह से ये इम्यूनिटी ट्रिगर होती है, ठीक है। जैसे कि अगर बहुत ज्यादा पेशेंट ये होता है सनलाइट को एक्सपोज होता है, या फिर बहुत ज्यादा रेडिएशन को एक्सपोज होता है, या तो कीमोथेरेपी पे है, या तो कोई कीमोथेरापेटिक मेडिसिन खा रहा है, इन सब के वजह से भी बॉडी में ऐसे चेंजेस होते हैं कि अपनी खुद की बॉडी की मेलानिन रिड्यूस होने लगती है ना। इससे भी क्या होता है, दो टाइप की विटिलिगो होती है, जनरलाइज्ड एंड विटिलिगो वल्गैरिस। नाउ जो लोकलाइज्ड विटिलिगो होते हैं, जैसे कि अगर आप कुछ पेशेंट्स को देखोगे, तो एक लाइन में विटिलिगो रहेगा, जैसे सिर से शुरू है तो आंख तक आके खत्म होता है, मतलब वो एक लाइन में रहता है। इसको बोलते हैं न्यूरोजेनिक विटिलिगो। न्यूरोजेनिक विटिलिगो एक टाइप का विटिलिगो है जिसमें नर्व, जो नस रहती है अपनी, जो सेंसेशंस लेके जाती है, वो नस अपनी डैमेज होने लगती है। बेसिकली डैमेज नहीं होती, नस की एक एंडिंग रहती है, वो एंडिंग जो है ना टॉक्सिन्स रिलीज करता है, मतलब ऐसी चीजें जो नहीं निकलनी चाहिए, वो ऐसी चीजों को रिलीज करता है। जब वो चीज रिलीज होती है, तो वो जाके मेलेनिन को खत्म कर देती है।
तो होता क्या है, नर्व डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि नस जो है एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, इसीलिए एक लाइन में विटिलिगो की पैच आती है, इसलिए उसको बोलते हैं लोकलाइज विटिलिगो। अब ये क्लासिफिकेशन की क्यों जरूरत थी और क्यों मैंने ऐसे बताया है, क्योंकि ट्रीटमेंट सबका अलग अलग होता है। जैसे कि मैंने बताया कि जनरलाइज विटिलिगो, विटिलिगो वल्गैरिस, हम जब ट्रीटमेंट शुरू करते हैं इसको रिजल्ट बड़ी स्पीड में आता है, लेकिन अगर लोकलाइज्ड है, जैसे कि न्यूरोजेनिक है, एक लाइन में है, ये बहुत ही रेजिस्टेंट रहता है, ये जल्दी ठीक नहीं होता है। विटिलिगो वल्गैरिस रहता है वो फुल बॉडी को एक्वायर करता है, ओके, एंड जो लोकलाइज विटिलिगो रहते हैं वो लिमिटेड टू सर्टेन एरियाज रहते हैं, वो ज्यादा जल्दी स्प्रेड भी नहीं होते हैं, उतने एरिया तक सीमित रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो जनरलाइज विटिलिगो रहता है या तो विटिलिगो वल्गैरिस रहता है, ये बॉडी में स्प्रेड होते हैं। जैसे कि विटिलिगो वल्गैरिस की एक वैरायटी बताऊं तो उसमें होता है लिप एंड टिप विटिलिगो, ठीक है। तो लिप एंड टिप मतलब वो सिर्फ टिप को एक्वायर करता है, मतलब उंगलियों के टिप को, देन होंठ को, लिप को ये करता है, एक्वायर करता है, टिप ऑफ द पेनाइल एरिया को एक्वायर करता है, टिप ऑफ द निप्पल्स को एक्वायर करता है। तो ये जो विटिलिगो की वैरायटी है ये भी क्वाइट रेजिस्टेंट रहती है, ऐसा नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है, ऑब्वियसली इसके भी ट्रीटमेंट है, बट ये मेडिसिन देने पे इसमें इतने जल्दी रिजल्ट्स नहीं आते। तो हम नेक्स्ट इसमें क्या कर सकते हैं, तो वी कैन प्रोसीड विथ सर्जिकल मैनेजमेंट्स, ओके। सर्जिकल मतलब प्रॉपर सर्जरी नहीं करना है, बस एक नॉर्मल स्किन, अपने बॉडी की जो नॉर्मल पार्ट्स है वहां की स्किन निकाल के वो व्हाइट पैचेस पे जाके रख देना है। तो इससे ये लिप एंड टिप की जो विटिलिगो है जो मेडिसिन से नहीं ठीक हो रहे थे, तो इससे काफी अच्छे इम्प्रूव जाते हैं, ओके। सो मैंने ये बताया आपको कि जनरलाइज विटिलिगो जो रहते हैं, विटिलिगो वल्गैरिस जो रहते हैं, उसकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से रिजल्ट भी आती है, एंड ये बीमारी ज्यादा स्पीड में स्प्रेड होती है, लेकिन जो लोकलाइज विटिलिगो रहते हैं वो ज्यादा स्पीड में फैलते नहीं है, वो लोकल एरिया में असीमित रहते हैं। हम मेन एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ये चट्टा जो है आपका सफेद, कि एक ही जगह पे रुका हुआ है, या ये साइज में बढ़ रहा है, या ये नंबर मतलब क्वांटिटी में बढ़ रहा है। अगर पेशेंट बोलता है कि हाँ ये बढ़ रहा है, या आइदर साइज में और नंबर ऑफ पैचेस में बढ़ रहा है, तब हम ओरल मेडिसिन शुरू कर देते हैं। अगर पेशेंट बोलता है नहीं मैम ये इतने पे ही लिमिटेड है, तब हम पेशेंट को टॉपिकल क्रीम दे देते हैं। कुछ पेशेंट क्रीम से बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं, उनको ओरल टैबलेट्स की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा कब होता है, जब पेशेंट के चट्टे पर बाल होते हैं। अगर पेशेंट के चट्टों पे बाल है तो वहां पे रंग भरना बड़ी स्पीड में रिजल्ट दिख के आता है, लेकिन अगर पेशेंट को ये ऐसे एरिया पे है जैसे उंगलियों के टिप पे है जहाँ पे बाल नहीं होते, जैसे होंठ पे है वहां पे बाल नहीं होते, उस एरिया पे क्रीम्स लगाने पर भी रिजल्ट नहीं आती। तो हम क्या करते हैं, जो बढ़ते हुए चट्टे हैं उसमें ओरल टैबलेट्स तो दे ही देते हैं। अब ओरल टैबलेट्स का काम क्या है कि वो डिजीज एक्टिविटी को स्टॉप करता है, जैसे कि अंदर से जो भी एक्टिविटी बहुत ज्यादा है जिसके वजह से इम्यूनिटी ट्रिगर्ड है, जिसके वजह से जो मेलानिन खत्म हो रहे हैं, उस पूरी डिजीज को एक्टिवेशन को हम स्टॉप करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ओरल मेडिसिन। ओरल मेडिसिन खाने से पूरी डिजीज डीएक्टिवेट होने लगती है और नंबर ऑफ पैचेस जो बढ़ रहे थे वो स्टॉप होने लगते हैं, पैचेस की साइज जो बढ़ रही थी वो भी स्टॉप होने लगती है। उसके साथ साथ हम रंग भरने की क्रीम्स भी देते हैं एंड हम सोरालेंस देते हैं। सोरालेंस मतलब एक ऐसे गोलियां या ऐसी क्रीम जिसको खाने के बाद हम पेशेंट को धूप में बैठने बोलते हैं, जिससे वो ज्यादा धूप को एब्जॉर्ब करती है, क्योंकि मेलानिन धूप से बढ़ता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम वो ऐसे टैबलेट्स देते हैं, ऐसे क्रीम्स दे देते हैं ताकि वो धूप को एब्जॉर्ब करे और वहां पे रंग भरना शुरू हो जाए। तो जब हम पेशेंट को एक 3 to 4 months कंटिन्यूअस बेसिस पे ऑब्जर्व करते हैं मेडिसिन लगाने वाली एंड खाने वाली, अगर हमको एक पल रियलाइज होता है कि ये खाने वाली मेडिसिन एंड लगाने वाली चीजों से भी पेशेंट को रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है मतलब अब पैचेस बढ़ नहीं रहे हैं, पैचेस उतने पे ही रुक गए हैं, स्टेबल विटिलिगो इसको बोलते हैं, कि अब ना पैचेस बढ़ रहे हैं और ना ही कम हो रहे हैं, वो पैच उतने के उतना ही है साइज में भी नंबर में भी। तो अब उस पैच को हम क्या कर सकते हैं, मतलब वो रेजिस्टेंट विटिलिगो हो गया है। तो रेजिस्टेंट विटिलिगो के केस में हम सर्जिकल मोडालिटीज यूज करते हैं।
ऑनेस्टली स्पीकिंग तो एक सबसे बड़ा मिथ ये है कि फिश एंड मिल्क खाने से विटिलिगो होता है. ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग फिश एंड मिल्क एलोपैथी के पूरी मेरी बुक में मेंशन नहीं है. बट यस, एक है कि मिल्क प्रोडक्ट्स अक्सर इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन मतलब जख्म कॉज करती है. जख्म कॉज करने के वजह से इम्यूनिटी जो है अपनी वो ट्रिगर होती है, क्योंकि मैंने बोला विटिलिगो का पूरा खेल इम्यूनिटी के ऊपर है. इसलिए अगर इम्यूनिटी ट्रिगर हुई तो पेशेंट को विटिलिगो के पैचेस आने लगते हैं. तो हम पेशेंट को क्या बोलते हैं कि डेयरी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स थोड़ा सा अवॉइड करो. क्यों? इससे जो अपने इंटेस्टाइन की जो वॉल्स है, दीवारें हैं, वो भरने लगती है, मतलब उसका जख्म भरने लगता है. जख्म भरने लगता है तो इम्यूनिटी ट्रिगर होना स्टॉप होने लगती है. इम्यूनिटी ट्रिगर होना अगर स्टॉप होने लगती है तो अगेन विटिलिगो पे रिजल्ट बड़ी स्पीड में आते हैं. इसीलिए हम डेयरी एंड डेयरी प्रोडक्ट अवॉइड करने बोलते हैं. प्लस हम पेशेंट को एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं. खाने पीने में हम ये बोलते हैं कि आप जितना हो सके फ्रूट ज्यादा खाओ, वेजिटेबल ज्यादा खाओ. इससे क्या होता है, बॉडी में फ्री रेडिकल्स जो कचरा जमा होता है जिसके वजह से अगेन इम्यूनिटी ट्रिगर हो सकती है, तो कचरे को हम पूरा खत्म करते हैं, मतलब नलीफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स. एक तो पेशेंट की हीलिंग सबकी अलग रहती है. कुछ पेशेंट की हीलिंग बहुत अच्छी रहती है तो उनको विजिबल डिफरेंस 2.5 मंथ to 3 मंथ में दिखने लगता है, ठीक है. लेकिन जिनकी बहुत ही पुअर हीलिंग रहती है उनको काफी समय लग जाता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि विटिलिगो ट्रीटेबल नहीं है, इट इज ट्रीटेबल, ठीक है. ये जो पहले जमाने में एक मिथ था कि एक बार विटिलिगो हो गया तो एक जिंदगी में कभी ठीक नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. विटिलिगो अगर हो गया उसकी मल्टीपल मोडालिटीज हैं, जैसे कि अगर पेशेंट धूप में नहीं बैठ पा रहा है या धूप में एक्सपोजर नहीं हो पा रहा है तो आजकल हमारे पास पुआ चेम्बर्स है, NB UVB फोटोथेरेपी लाइट थेरेपीज है, हमारे क्लिनिक्स में हर डर्मेटोलॉजिस्ट के क्लिनिक में अवेलेबल है. पेशेंट आके लाइट थेरेपी लेता है, उससे बहुत स्पीड में रंग उसका भरने लगता है. तो पहले के जमाने में जो रिजल्ट पेशेंट को 2-2.5 साल में दिखता था, अब हमारे पास पुआ थेरेपी होने की वजह से, पुआ सॉल थेरेपी होने की वजह से, लाइट फोटोथेरेपी होने की वजह से हम पेशेंट को बहुत ही स्पीड में रिजल्ट दे देते हैं जो पहले के जमाने में 2-3 साल लगते थे.